मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सीआईआई ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ खास तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास और निवेश के लिए सीआईआई के सुझाव पर काम करेंगे। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने सीएए को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को सीआईआई द्वारा 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस खास अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने बिजनेस और बियॉन्ड विषय पर एनुअल कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रखते हुए बताया कि प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे जहां उद्योगपतियों को निवेश का वातावरण मिलेगा, वहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि व्यापार और उद्योगपति की सरकार को समझ नहीं होती है, इसलिए सीआईआई से सरकार सुझाव लेती है, ताकि प्रदेश में व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके। सीआईआई और उद्योग क्षेत्र है, जो व्यापार क्षेत्र है, इनके सुझाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी समझ नहीं होती। हम कहें कि हम सब समझते हैं, हम पूरा उद्योग समझते हैं, हम व्यापार समझते हैं, बहुत बड़ी भूल किसी भी सरकार की होती है। हमें तो ये सुझाव लेने हैं, कैसे ये सुझाव हैं, इसका क्या परिणाम है, ये कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ताकि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी नीति बनाएँ जहाँ निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने, रोजगार के मौके बने, ये हमारा लक्ष्य है। वहीं सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि मोदी सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, उसकी कतई जरूरत नहीं थी। देश को बांटने वाले इस कानून के कारण आज देश में अशांति का माहौल बन गया है। बड़े दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है, ऐसा वातावरण बने जहाँ इस प्रकार के दंगे हुए। दंगे की तो सब निंदा करते हैं, पर अपने देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की है। और अगर कोई वातावरण या कोई ऐसी नीति बने जिससे ये भंग होए, तो आम नागरिक को इस देश में ये बात समझनी चाहिए कि इसका क्या कारण था, इसका क्या कारण था। आज कोई वॉर चल रही है, आज कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं, सीए का चक्कर चला दिया, 12 बजे तक संसद में इसकी बहस हो रही है। कोई वॉर थी, कोई रेफ्यूजी आ रहे थे, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसमें सीए में है क्या, वो बात छोड़िए, पर इसकी कौन सी आफत थी कि ये, अगर एक कौड़ी भर भी शक होता कि लोग इसे सोचे, जाने या अनजाने ऐसा भ्रम होगा, क्यों करने की आवश्यकता, जब कोई ऐसी आफत नहीं, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा पॉपुलेशन का सर्वे तो होता ही रहता है, अब इस प्रकार का भ्रम इसमें पैदा हो जाए कि लोग सोचें कि हम असुरक्षित हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मार्च महीने में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड को लेकर कहा कि ये आयोजन सरकार का नहीं बल्कि बॉलीवुड का है। आईफा अवार्ड के आयोजन से प्रदेश को नई पहचान मिलेगी, जिससे निवेश के रास्ते खुलेंगे। ये गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है, मैंने तो उन्हें आमंत्रित किया क्योंकि मैं उन्हें जानता था, मैं तो आईफा को नहीं जानता। सर, आप इतने सक्षम हैं सर, और आप मैंने मैंने सर। उन पर जितना दबाव डाल सकता था मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए, मैंने डाल के आईफा, सर थोड़ा सा रास्ता निकाल दीजिए, आईफा का एक पहचान बने, आईफा अपने मध्य प्रदेश की पहचान बने, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन हो। यहाँ पहले टेलीविजन अवार्ड्स हुए, अब आईफा हो रहा है, इससे लोगों की नज़र पूरे देश में मध्य प्रदेश पर जाती है। आप चेन्नई की सड़कों में चलिए, आप पूछिए उनसे कि आप मध्य प्रदेश कहाँ हैं, वो आसमान की तरफ देखने लग जाएंगे। उनसे पूछिए कि इंदौर कहाँ हैं, उनसे पूछिए सागर कहाँ हैं। तो ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बने, ये मेरा लक्ष्य है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए इस आयोजन में सीएम कमलनाथ के साथ प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन, स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।